ये फॉर्मूलेज यहाँ यूज करने हैं कहीं ना, थोड़ा हम इसे थोड़ा एडजस्टमेंट करके कहीं ना कहीं इस फॉर्म में लाए। तो एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं, देखो ये इंटीग्रेशन करते हो वन अपॉन, मैं इसको कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर लाने का अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिख लिया मान लो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू फोर एक्स प्लस 16 प्लस 4, समझ में आ रही बात। इस 20 को मैंने ऐसा लिख लिया, ये मैं कुछ चाहता हूं कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो जाए। ऐसा क्यों चाहता हूं, मुझे स्टैंडर्ड्स यूज करना है। ओके, सो दिस बिकम्स 1 अपॉन x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 4, समझ में आ गई बात। सो आप बोलेंगे ये कैसे मैच होता है, ये कहीं ना कहीं इससे मैच होता है। कैसे, यहां ए स्क्वायर है ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर। अब आप बोलेंगे ये तो एक्स स्क्वायर है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए इसको टी पुट कर सकता हूं। देखो अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज किया, आप चाहे तो डायरेक्ट लिखते हैं रिजल्ट बाद में, लेकिन मैं बता रहा हूं प्रोसीजर क्या है। मान लो मैंने लिख दिया x प्लस 4 इज इक्वल टू टी, ठीक है, सो dx इज dt, तो दिस इंटीग्रेशन विल बिकम एज व्हाट, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 आ गया इस फॉर्म में। इतना ही है कि dx की जगह dt है, वेरिएबल t है। व्हाट इज द रिजल्ट, 1 अपॉन ये 2 का स्क्वायर है, राइट, 4 स्क्वायर इज 2, सो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ t अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस व्हाट इज t, बट t नहीं चाहिए एंड में, हमको x में चाहिए रिजल्ट, तो t की वैल्यू फिर से डाल देंगे, तो रिजल्ट इज व्हाट, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस c। आपको याद होगा इंटीग्रेशन में x की जगह ax प्लस b अगर आता है, क्या आता है, x की जगह ax प्लस b आता है, तो 1 अपॉन a लेके रिजल्ट वही आता है फिर से, लेकिन a 1 है, मतलब जहां x चाहिए वहां x प्लस 4 है, तो x इज रिप्लेस बाय ax प्लस b। इफ x इज रिप्लेस बाय ax प्लस b, आंसर विल रिमेन सेम, only we have to multiply by 1 by a, but what is a here, a is 1, समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने जस्ट बताया सब्स्टिट्यूशन करके, समझ में आ, फ्यूचर में आप चाहो तो x की जगह कहीं भी इस x की जगह ax plus b आता है और a 1 है, a अगर 1 है तो 1 upon a की भी जरूरत नहीं, मतलब as it is लिख देना, जो भी x की जगह डायरेक्टली क्या लिख दो, समझ में आ, मतलब ये स्टेप्स आपको चाहे तो आप बाद में क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते, फिर भी आपको नहीं समझ में आया शुरू में तो इसलिए मैंने ये टेक्निक, फिर बाद में हम डायरेक्ट बोलेंगे x के लिए ये फॉर्मूला है, तो x प्लस a x प्लस b के लिए भी यही फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय और 1 बाय a इज 1, सो फॉरगेट 1, समझ में आई बात, राइट ऑन। हम लोग पहले तो x स्क्वायर को फ्री करना चाहेंगे, मतलब 4 को कॉमन निकाल, मतलब स्टैंडर्ड के लिए x तो फ्री होना चाहिए, पहले हम 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, 4 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17 बाय 4 आ गया, समझ में आ रही बात, x स्क्वायर अलग निकाल लिया, 4 को बाहर निकाल, 4 बाहर ले लो इंटीग्रेशन, तो क्या हो गया 1 बाय 4 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17 बाय 4 dx, so 1 by 4, this we want a perfect square, हमें perfect square लाना है, किसी भी हाल में हमें ऐसे कुछ लाना है, इन में से कुछ चाहिए हमें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो adjustment कर रहा हूँ, x square minus, मुझे याद है 2 times होता है second term, तो 2 times purposely into 5 by 2 लिख दूँ, चलेगा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं a square plus b square का formula या a minus b square के formula के हिसाब से सोच रहा हूँ, तो 2 नहीं था तो 2 ले आया, अब 2 ले आया तो adjust भी कर लिया,
अब मुझे पता है कि इस टर्म का स्क्वायर आगे आना चाहिए, मैं लिखूंगा 25 बाय 4 बिंदास, लिख दिया मैंने 25, लेकिन ओरिजिनल क्या है 17 बाय 4 है, फिर मैं ऐसा कर लूंगा माइनस 25 बाय 4, बात तो एक ही है। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा, इसको ये है कि नहीं, ये है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं चाहता हूं ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इस कांस्टेंट को हम बाद में नहीं पट लेंगे, समझ में आ रही बात। सो दिस बिकम्स 1 बाय 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये क्या हो गया, x माइनस 5 बाय 2 का स्क्वायर हो गया। लाया मैंने इसको, नहीं था वो, मैंने बनाया उसको, बनाया मतलब एडजस्टमेंट किया, कुछ भी नहीं किया, प्लस माइनस किया। इसमें को इसे हम एडजस्ट कर लेंगे, इसका एलसीएम 4 है, ये क्या आ जाएगा माइनस 8 बाय 4 आ गए, माइनस 8 बाय 4, ठीक है ना। अब माइनस 8 बाय 4 मतलब 2 आ गया, लिख दो डायरेक्ट 2, ये 2 आ गया, चलो ये 2। अब 2 क्या है, रूट 2 का स्क्वायर है, लिख दो रूट 2 का स्क्वायर, मैं दो तीन स्टेप्स को एक साथ ले रहा हूं, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया, इस फॉर्म में आ गए हम लोग। हालांकि x इज रिप्लेस बाय ax प्लस b है, बट a इज 1 है, तो मुझे एज इट इज वही रिजल्ट यूज करना है, खाली x की जगह ये लिखना है। मैं अभी t भी पुट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि t पुट करूंगा तो भी वही आंसर आने वाला है। सो दिस बिकम्स 1 बाय 4 एज इट इज, फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ दिस माइनस दिस, लॉग ऑफ दिस प्लस दिस, बट दिस विल बी लॉग ऑफ दिस इज x, x माइनस 5 बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ व्हाट एवर, जो भी मतलब व्हाट, x माइनस 5 बाय 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस c, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट क्या है, ऐसे सम्स में हमें एडजस्टमेंट करके परफेक्ट स्क्वायर लाना होता है, फिर कांस्टेंट लाना होता है, क्यों ना हो हम इस फॉर्म में लाते हैं। हालांकि x की जगह क्या रहता है, ax प्लस b होता है और a1 रखते हैं, मतलब वही फॉर्मूला एज इट इज हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। इधर x है, इधर x प्लस समथिंग है, बट a इज 1, सो यू कैन यूज दैट एज इट इज, ओके, राइट ऑन।